नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। 24 लाख दीयों से जगमग हो रही है अयोध्या। अयोध्या के 51 घाटों पर दिए जलाए जा रहे हैं। राम की पैड़ी की बात करें तो माँ सरयू की आरती हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माँ सरयू की आरती खुद की है। देखिए, अयोध्या के लिए या यूं कहें कि भारतवर्ष के लिए आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन को कई नामों से जाना जाता है। कई जगहों पर छोटी दिवाली कहते हैं, कई जगहों पर रूप चौदस कहते हैं, कई जगहों पर नरक चतुर्दशी कहते हैं। ऐसे में दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या नगरी यानी कि राम की नगरी भव्यतम और दिव्यतम नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मां सरयू के आरती की तस्वीरें हैं, जिस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा समय में सर्वे सर्वा आरती करते हुए नजर आ रहे थे। सरयू घाट पर दिव्य आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर मंगल कलश और मां सरयू के लिए मन में अगाध भाव प्रेम और श्रद्धा लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां सरयू और भगवान श्री राम के श्री चरणों में सादर नमन किया और ये प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश, संपूर्ण देश और विश्व का कल्याण हो। तो देखिए, अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो क्यों खास हो जाता है? अयोध्या का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या नगरी हर बार प्रकाश के विषय में, प्रकाश के लक्ष्य को खुद ही भेदती है और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अयोध्या नगरी में 22 लाख 23 हजार से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। मां सरयू की आरती के साथ ही दीपोत्सव का आगाज हुआ। और दीपोत्सव में 21 लाख 23 हजार से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। और मां सरयू के तट पर सिर्फ एक ही धुन गुंजायमान हो रही है, राम सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। और इस मौके पर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है क्योंकि आपको बहुत सरलता होगी इस बात को समझने में कि जब 24 लाख के करीब दिए प्रज्वलित किए गए हैं तो उन दियों को प्रज्वलित करने के लिए हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स भी हैं और इन वॉलंटियर्स के जो बनने की प्रक्रिया है वो भी बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति 101 रुपये अनुग्रह राशि के साथ वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकता था और उन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनको दीपोत्सव का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। और अब से कुछ ही देर के बाद राम की पैड़ी पर भव्यतम लेजर लाइट शो भी होने वाला है। आज का दिन हर लिहाज से अयोध्या नगरी के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि अयोध्या नगरी की पहचान सिर्फ अब
भगवान श्री राम की कीर्ति उनकी मर्यादा लिए नहीं है, बल्कि दीपोत्सव के उस प्रकाश को लेकर के भी है, जो दीपोत्सव आज न सिर्फ देश में बल्कि विश्वव्यापी हो चुका है, वैश्विक स्तर पर। विश्व स्तर पर अपनी ख्याति स्थापित कर चुका है। चलिए, रमन उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जय श्री राम। जय श्री राम। और जय श्री राम आज सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड बोल रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दीपोत्सव का क्षण है रमन जी, आप दीपोत्सव को लेकर के तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और सबसे पहले अयोध्या नगरी का जो महत्व है वो दर्शकों को प्लीज बताइए। जी, दीपोत्सव जो है जी, आज के समय में जो चलन में था समुद्र मंथन के समय, माता लक्ष्मी जी जो है सागर मंथन के समय सागर से उत्पन्न हुए थे। जी जी रमन जी, दिन जो है अयोध्या से रामचंद्र जी महाराज आए थे लंका से, आतंक पर, अंधकार पर विजय प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी महाराज लंका से पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या आए थे। रमन जी, आपको मैं कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तमाम दर्शकों को अयोध्या का आकाश दिखाते हैं, वो आकाश जो श्री राम के आगमन पर प्रफुल्लित है, प्रकाशित है और आनंदित नजर आ रहा है। देखिए, इन पटाखों की आवाज को सुनकर के अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखे तो बैन कर दिए गए, लेकिन फिर भी अयोध्या के आकाश पर इस तरह की जो प्रकाश है उनको हम देख पा रहे हैं, पटाखों की ध्वनि को सुन पा रहे हैं, तो आपको इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों पर बैन बिल्कुल नहीं है, और अयोध्या के आकाश में जिस रोशनी को, जिस आवाज को आप सुन पा रहे हैं, वो रोशनी, वो आवाज, वो प्रकाश ग्रीन पटाखों का ही। रमन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। रमन जी, अपनी बात आप पूरी कर लें। रमन जी, देखिए इस समय जो हम तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भव्यतम है, दिव्यतम है, और वो बता रही हैं कि अयोध्या का जो महत्व है न सिर्फ संस्कारों में है, न सिर्फ पुराणों में है, बल्कि आज संपूर्ण विश्व में भी स्थापित हो रहा है। रमन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, अपनी बात आप पूरी कर लें। जी, आज के ही समय सागर मंथन से लक्ष्मी जी का उद्गम हुआ था, आज ही दीपावली के उत्सव पर, और आज जो है नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम छोटी दीपावली के नाम से जे जानते हैं। जे तो छोटी दीपावली आज शाम 5 बजे सायंकाल में मनाई जाएगी, जिसे जो कि चंद्रोदय होगा 5 बजे सायंकाल से, बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जो हमारे गांव में प्रचलन है जलाया जाता है वो आज ही है, और कल के दिन लक्ष्मी जी का नारायण जी के साथ विवाह हुआ था, इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, और जो हमारे यहाँ प्रचलन में है आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी महाराज जी हमारे अयोध्या के नरेश ये आतंक पर, अंधकार पर विजय प्राप्त करके। रमन जी, देखिए आज के दिन यानी कि छोटी दीपावली को लेकर के एक और कथा प्रचलित है, कहा जाता है कि सिर्फ छोटी दिवाली ही एक ऐसा दिन होता है जब दक्षिण दिशा की तरफ दीप प्रज्वलित किया जाता है, यम का दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो प्लीज इस विषय में तमाम दर्शकों को बता दें। उसी विषय में मैं बता रहा हूँ, आज ही के दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, जिसे जो कि आज के दिन यम का दीपक जिसको कहते हैं
उसको प्रज्वलित किया जाता है दक्षिण दिशा में जी। चार दीपक, चार बत्तियों वाला मुंह होता है उसका, उसको प्रज्वलित करके यमराज को प्रसन्नता किया जाता है ताकि हमारे यहाँ जो कुछ भी द्वेष भावना हो, नकारात्मक शक्तियां हो, वो दूर हो सके जी। इसलिए ये प्रथा प्रचलन में है हमारे भारतवर्ष में जी। रमन जी, अयोध्या के महात्म्य को लेकर के तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, पुराणों में हम पढ़ते हैं, रामायण रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र आज ही के दिन वापस लौटे, लेकिन अयोध्या के महात्म्य को लोग नहीं समझते। शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के महात्म्य और उसको एक धार्मिक पर्यटन के तौर पर डेवलप कर रही है जी। अयोध्या तो महात्म्य जो है हमारे भारतवर्ष का शीर्ष है, शिखर है जी। जो कि हम भारतवर्षियों का और हम ब्राह्मणों का, कर्मकांड करने वालों का, ज्योतिषियों का एक आत्मसम्मान पूर्ण स्थल है जिसके माध्यम से हम लोग जाने जाते हैं। भारतवर्ष जिसके द्वारा जाना जाता है वो हमारा अयोध्या है जी। जी, अयोध्या जो कि हनुमानगढ़ी हनुमान जी विराजमान है, अयोध्या कनक भवन जी है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी सरकार विराजमान हुए हैं जी, माता सीता जी हैं, तो जितना भी बताया जाए अयोध्या के बारे में कम ही है, क्योंकि कहा गया है शेष महेश और शारदा जी भी इनकी स्तुति नहीं कर पाती, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। रमन जी जुड़े हुए हमारे साथ में। रमन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, भगवान श्री राम की उपासना को लेकर के तमाम दर्शकों को हो सके तो कुछ जानकारी दें कि भगवान श्री राम की उपासना किस तरह करनी होती है, साथ में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ एक विशेष विधि होती है जिसको अपनाया जाए तो उनका जीवन और प्रगति की तरफ अग्रसर होगा। नियम है, लेकिन दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की उपासना करने का विधि नियम प्रचलन में है। श्री रामचंद्र जी का जो है हर्षोल्लास के लिए दीपोत्सव या दीपावली मनाई जाती है, लेकिन ये जो पूजा करने का विधान है, नियम है, इस दिन जो है माता लक्ष्मी का उद्गम हुआ था तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का नियम है। बाकी श्री रामचंद्र जी का भी पूजा किया जा सकता है क्योंकि वो उस दिन आए थे जी। बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भव्यतम दिव्यतम अयोध्या नगरी, राम की नगरी, वो नगरी जिसके कण कण में राम है, वो नगरी जो सिर्फ सीता और राम का उद्घोष करती है, जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर नजर आता है क्योंकि राम के ईश्वर भी महादेव ही हैं। सरयू घाट की ये दिव्यतम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 51 घाटों को दीप प्रज्वलन के साथ सुंदरतम किया गया है। इसके अलावा आकाश की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आतिशबाजी, पटाखों का शोर, और ये असल में 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं जो आप इस समय आकाश में, अयोध्या के आकाश में देख पा रहे हैं। ये वो भाव है जो राम के प्रति संपूर्ण विश्व व्यक्त करता है, क्योंकि राम को सिर्फ राम नहीं कहा जाता, मोक्ष धाम कहा जाता है, राम को सिर्फ राम नहीं कहा जाता, इमाम हिंद भी कहा जाता है, राम को सिर्फ राम नहीं कहा जाता, कुशल पति, कुशल पुत्र और कुशल पिता भी कहा जाता है। भव्य दिव्य आरती के बाद अयोध्या का ये सुंदर चित्रण, सुंदर दृश्य जो आपको सम्मोहित कर देगा। अयोध्या में अद्भुत अद्वितीय दीपोत्सव की छटा, और अब से कुछ ही देर के बाद लेजर लाइट शो जो कि राम की पैड़ी पर आयोजित हो रहा है, जो कि सरयू घाट का एक बड़ा हिस्सा है, आप उसकी छटा भी देख पाएंगे। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अयोध्या शामिल कर चुका है, और हर बार अयोध्या नगरी अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करती है। दीप प्रज्वलन की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो शाम को 5:30 बजे से दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और अब आतिशबाजी का शोर, पटाखों का प्रकाश और भाव श्री राम के आगमन के प्रति
और जब मैं श्री राम बोल रही हूँ वहाँ वहाँ आप सद्बुद्धि समझिए, वहाँ आप सद्भाव समझिए, वहाँ आप उम्मीद समझिए, क्योंकि राम देव होने के साथ साथ आपके जीवन के चरित्र को भी सुदृढ़ और मार्गदर्शन देने में एक ऐसी भूमिका, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको घोर निराशा के अंधकार से उम्मीद के प्रकाश की तरफ ले जाती है। कहते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस दीवार पर तुम कुछ ऐसा लिखो कि जो खुश है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो खुश हो जाए। और उसके बाद मुगल सम्राट अकबर बीरबल की जो उन्होंने बुद्धि और योजना लगा करके सेंटेंस लिखा था, वाक्य लिखा था, उससे अचंभित रह गए, क्योंकि बीरबल ने लिखा था ये समय भी बीत जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप खुश हैं इस समय तो आपको इस बात से विचलित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है और तटस्थ बने रहना है, उन्माद में नहीं आना है, क्योंकि समय तो ये भी बीत जाएगा। और अगर आज की तारीख में आप घोर निराशा का सामना कर रहे हैं तो ये समय भी बीत जाएगा। और राम का जीवन इस बात का पूर्ण परिचायक है, क्योंकि कहते हैं राम वन गए तो राम बन गए। अगर आप भी मन के वन में हैं तो चिंता मत कीजिए, आप भी राम बनने की प्रक्रिया में हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।